प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग व तकनीकी संस्थान का किया उद्घाटन। कहा, ये युवाओं को कुशल तकनीकी पेशेवर बनाने के लिए शिक्षा करेगा प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला रखी। इन मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत दी गई है मंजूरी। पश्चिम बंगाल की 3 और ओडिशा की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज हुआ मतदान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट से लड़ रही है चुनाव। मेघालय में बीती रात राज्य पथ परिवहन निगम की बस रिंगड़ी नदी में गिरी, हादसे में 6 लोगों की मौत। असम में विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कल से खुलेगा आगंतुकों के लिए, इस दौरान कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से किया जाएगा पालन। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा, इस वर्ष सुरक्षित रूप से त्योहारों का आयोजन कोविड महामारी से संघर्ष में निभाएगा निर्णायक भूमिका। पॉल ने लोगों से घर में रहकर त्योहार मनाने की अपील। दिल्ली में 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए फिर से स्कूल खोलने का अंतिम फैसला लिया जाएगा त्योहारों के बाद, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया निर्णय। देश में अब तक 88,34,00,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके, संक्रमण से स्वस्थ होने की दर हुई 97.85%। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। दुबई में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया।